जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। गुरुग्राम के पॉक्सो कोर्ट ने सीनियर एंकर चित्रा त्रिपाठी खिलाफ किया गिरफ्तारी वारंट जारी। गुरुग्राम के पॉक्सो कोर्ट ने एक 10 साल की लड़की और उसके परिवार के वीडियो को तोड़ मरोड़ कर अश्लील रूप से प्रसारित करने के मामले में चर्चित हुआ सीनियर एंकर चित्रा त्रिपाठी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्विनी मेहता ने चित्रा त्रिपाठी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया। जब चित्रा त्रिपाठी ने महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ अपने मीडिया संगठन के पूर्व निर्धारित साक्षात्कार का हवाला देते हुए सुनवाई के दिन गैर उपस्थिति की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया, अदालत ने निर्देश किया कि आरोपी चित्रा त्रिपाठी की उपस्थिति से छूट देने का कोई उचित आधार नहीं बनाया गया है। केस फाइल के अवलोकन से पता चलता है कि पहले भी आरोपी चित्रा त्रिपाठी अदालत में पेश नहीं हुई थी और उनकी उपस्थिति से छूट दी गई थी, लेकिन आज इस अदालत को उनकी उपस्थिति से छूट देने का कोई औचित्य नहीं लगता है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि वो अदालत की प्रक्रिया को काफी हल्के में ले रही हैं। इसी आधार पर जमानत खारिज कर दी गई है। अदालत ने यह भी उल्लेख किया है कि वर्तमान मामला वर्ष 2015 का है और यदि कार्यवाही शीघ्रता से नहीं की गई तो इस मामले का जल्द से जल्द निपटारा करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं होगा, जो पहले ही 9 वर्ष पुराना हो चुका है। इसलिए आरोपी चित्रा त्रिपाठी की ओर से छूट की मांग करने वाली अर्जी अस्वीकार की जाती है और उनकी जमानत के साथ जमानत वारंट भी रद्द की जाती है। साथ ही संबंधित SHO के माध्यम से 30/11/2024 तक उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाए। यदि वारंट तामील नहीं होता है तो संबंधित SHO को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया गया है। अभियोजन पक्ष के वकील धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी कड़ा विरोध किया गया, यह कहते हुए कि पिछली 2 तारीखों पर आरोपी चित्रा त्रिपाठी को स्वास्थ्य आधार पर उपस्थिति से छूट दी गई थी, लेकिन आज आरोपी की उपस्थिति से छूट देने का कोई उचित आधार नहीं बनाया गया है। यह मामला दिसंबर 2013 में गुरुग्राम के पालम बिहार स्थित नाबालिग बच्ची के रिश्तेदार की शिकायत पर पंजीकृत पहली सूचना रिपोर्ट FIR से संबंधित है। इस मामले में फिलहाल कुल 8 आरोपी, जिसमें दीपक चौरसिया वर्ष 2013 में इंडिया न्यूज चैनल के एडिटर इन चीफ एंकर चित्रा त्रिपाठी, राशिद हाशमी, अभिनव राज, प्रोड्यूसर रिपोर्टर ललित बर्ड गुर्जर, अजीत अंजुम, न्यूज 24 चैनल के एडिटर चीफ एंकर सैयद सोहेल, सुनील दत्त रिपोर्टर के पद पर कार्यरत थे। मामले में पीड़ित पक्ष के द्वारा ये आरोप है कि समाचार चैनलों पर प्रसारित वीडियो ने आशंकित रूप से बालिका शिकायतकर्ता की पत्नी और कुछ अन्य महिलाओं के चेहरों का खुलासा किया तथा उनके घर को अश्लीलता का अड्डा बताकर पेश किया। साथ ही बच्ची परिवार वालों को बापू आश्रम जी के मामले में सह आरोपी शिवा और शिल्पी बताकर चैनल पर प्रदर्शित किया। इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीमती शशि चौहान ने 25/8/2023 को पॉक्सो एक्ट की धारा 14/1/2023, IT एक्ट 67B, 469, 471 की धारा के तहत अपराध तय किए थे। तो इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके आप भी अपनी राय अवश्य बताएं। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने
नेशनल न्यूज इंडिया पर।